हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में जो रीड किया ये बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों, यूट्यूब अपनी सर्विसेज जो है जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट्स, ये जल्द ही जो है वो लॉन्च करने वाला है और ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का खेल जो है डेफिनेटली खत्म होने वाला है। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जितने भी टिकटॉक क्रिएटर्स है डेफिनेटली जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स को जो है वो पसंद करने वाले हैं। कुछ दिनों में सर्विस हमारे सामने आने वाली। दोस्तों, यूट्यूब शॉर्ट्स एक सर्विस जो है वो यूट्यूब ऑन कर जो है वो लॉन्च करने वाला है। इसके बारे में सबसे पहली न्यूज़ जो है वो एप्पल के महीने में आई थी और वहां पर बताया गया था कि ऐसी इस तरीके की सर्विसेज ऑन होने वाली है और वो सर्विस क्या है और किन लोगों को मिलने वाली है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, यही चीज़ बताने के लिए दोस्तों स्पेशली ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फीचर जो है वो किन लोगों को दिए जाने वाला है। दोस्तों, यहां पर ये फीचर जो है यूट्यूब शॉर्ट का जो फीचर है यह कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलेगा और वो यूज़र्स कौन से होंगे इसके बारे में यूट्यूब ने कहीं पर भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। कुछ को मिलेगा, अभी वो कौन है जिन्हें दिया जाएगा या फिर अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमें मिला है या नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो काम हमें ये करना है कि हमें यूट्यूब ऐप को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये फीचर आपको दिया गया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर जो अपलोड का बटन होता है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आमतौर पर यहाँ पर जो बटन हमें देखने को मिलते हैं उसमें होता है वीडियो का और पोस्ट का होता है, लाइव का होता है। दोस्तों, इन्हीं में एक फीचर आपको देखने मिलेगा जो होगा क्रिएट अ वीडियो का। अगर आपको ये फीचर अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है, तो दोस्तों यहाँ पर आप उन जो है वह सिलेक्टेड और लकीस्ट लोगों में से है जिनको ये फीचर दिया गया है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है और कितने सेकंड का वीडियो होता है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बहुत ही आसान सा बता दो। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे आप क्रिएट अ वीडियो पर टैप करेंगे, एक बटन जो है वहाँ पर नजर आएगा जहाँ पर आपको एक तो टैप करना है इसे ऑन करने के लिए या टैप एंड होल्ड करना है। आपको आपका वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करना है, 15 सेकंड का तक के जो है वीडियो आप जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल क्लिप्स आप इसमें रिकॉर्ड करके अपलोड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि अपलोड हो जाने के बाद या रिकॉर्ड हो जाने के बाद इसके अंदर आप म्यूज़िक फिल्टर और जो भी हम आमतौर पर जो टिकटॉक के अंदर देखते हैं ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होगी या नहीं होगी इसके बारे में कहीं पर भी कोई क्लेरिफिकेशन अब तक के बताया नहीं गया। मुझे लगता है कि ये इसका ट्रायल बेस है तो कुछ बेसिक से फीचर हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ फिल्टर्स वगैरह, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में कोई डिटेल तो नहीं है। अब आने पर हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी लेंथ का वीडियो अगर है तो यहाँ पर कंपनी ने इसके बारे में भी कंफर्म किया है कि अगर बड़ी लेंथ का वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो इसके लिए आपको इसको अपलोड करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड करने के लिए आपको जो है आपकी गैलरी का इस्तेमाल करना होगा, यूट्यूब ऐप से ये डायरेक्टली अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये फीचर जो है वो सभी के लिए कब अवेलेबल किया जाएगा। दोस्तों, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल फिलहाल अभी किया जाएगा और इसके टेस्टिंग की जाएगी। दोस्तों, ये यूजर जो है इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद जो इनके फीडबैक्स जो है वो कंपनी को शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद कंपनी इस पर और जो है वो टेस्टिंग करेगी और इसको जो भी इसमें कमियां है उसको पूरा करेगी और जल्द ही ये फीचर जो है वो सभी के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज जो है वो निकल कर आई थी, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लगी तो सोचा कि ये न्यूज जो है सभी से शेयर की जाए। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।